लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ गांव में पावर ग्रिड द्वारा लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण 2004 के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां पहुंचे सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष को भ्रष्टाचार को लेकर जागरूक किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत में लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाए गए नुक्कड़ नाटक से शुरू किया गया। तत्पश्चात मौके पर उपस्थित पावर ग्रिड के DGM रविश कुमार द्वारा लोगों को बड़ी ही बारीकी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा इसकी शिकायत की जानकारी दी गई है, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम छुपाते हुए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखने तथा उस पर कार्रवाई की बातें की गई है। मौके पर पहुंचे पावर ग्रिड के नीरज कुमार, नीतीश कुमार, अमरनाथ कुमार, चंदन कुमार, सुरक्षा प्रहरी एवं अन्य कर्मियों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। तो विरोध तो करना, अगर ये जो आपने अभी वीडियो और ऑडियो के माध्यम से या नुक्कड़, ये एक बहुत ही अच्छा पहल है जिसके द्वारा गांव-गांव गली गली में जाकर के लोगों को ये बताना और इसके बारे में जागरूक करना, ताकि लोग इसके जो कि नहीं जानता है कि हम कैसे शिकायत करते हैं, शिकायत कैसे करना चाहिए, लोग डरते हैं शिकायत करने से, उस चीज से इनका जो है हिचक दूर होगा। ये सब प्रोग्राम और ऐसा पहल होने से लोगों के अंदर से डर और ये खत्म हो जाएगा और वो ऊपर के तक इसका पहल कर सकते हैं, इनकी शिकायत कर सकते हैं लोक सेवा। आप तो सरकारी कर्मी है, ऐसे में भ्रष्टाचार को और कैसे लगता है, क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार का ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम कर करके लोगों तक में इस चीज को पहुंचाना, इसी पर भ्रष्टाचार पर रोक लग सकता है ऐसे। और जो है ना, हम डायरेक्ट किसी को कोई पदाधिकारी को पकड़ करके उसके ऊपर हम अंकुश लगाना असंभव है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम करके लोगों को जागृत कर करके और जो ये माध्यम बताया, जो तरीका बताया कि बड़े जो हम लिफाफा भेजेंगे वहां तक, उसके ऊपर कवर में हमें कोई अपना एड्रेस और नाम नहीं देना है, अंदर में जो हम शिकायत पत्र लिखेंगे उसके अंदर अपना नाम लिख करके और पता लिख करके